हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं ये 2022 लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो हम लोग नए साल 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टाइम बहुत ही स्पेशल और ख़ास होती है, क्योंकि ये टाइम जो होती है काफ़ी पिकनिक के लिए स्पेशल होती है। लोग नए नए प्लेसेस में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत सारे नए नए प्लेसेस को लेकर आ गया हूँ। तो मैं बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट को आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, उसका वीडियो दिखाने वाला हूँ, जहाँ अपने फैमिली से जा सकते हैं, पिकनिक अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उस एरिया के बारे में पूरी आपको डिटेल दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि उस प्लेस में क्यों विजिट करना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और वैसे प्लेस के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही सेफ़ है और काफ़ी आप वहाँ जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आप लोग को ऐसे एक पिकनिक स्पॉट लेके जा रहा हूँ जो रांची से काफ़ी नज़दीक है और बहुत ही सुंदर है। तो उस फॉल के बारे में मैं वहाँ जाके पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग लोकेशन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये चूरनी फॉल है जो रांची से काफ़ी नज़दीक है, बहुत ही सुंदर फॉल है। तो इस फॉल के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो इस फॉल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो ये फॉल नज़दीक होने के कारण आपको ट्रैवलिंग का टाइम बच जाएगा। अगर आप दूसरे प्लेस जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इस फॉल में आएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे और फुल डे आप अपने फैमिली से मस्ती कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर फॉल है, तो इस फॉल का पूरी जानकारी मैं दूंगा और नीचे लेकर चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि किस किस जगह अपने फैमिली साथ अच्छे से आप पिकनिक आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इस फॉल का पूरा व्यू और पूरी सुंदरता मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम लोग नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इस फॉल को विज़िट करेंगे तो आपको नीचे जाने के लिए आपको ये पथरीला रास्ता मिलेगा। तो यहाँ रास्ता अभी नहीं बना हुआ है, जो गाँव वाले लोग रास्ता बनाए हैं, यही रास्ता आपको नीचे जाना होगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी एडवेंचर ये आपको रास्ता मिलेगा यहाँ पे। तो जब भी आप फैमिली साथ आएंगे तो कोशिश करेंगे, ध्यान रखना है आपको, सेफली नीचे उतरना है, कि यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों, मैं नीचे लेके चलता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों, आप जब भी इस फॉल को विज़िट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है नीचे जाते समय। क्योंकि दोस्तों, सब पथरीला रास्ता है और थोड़ा डेंजरस भी है, तो अपने फैमिली साथ जब भी आएंगे तो आप ध्यान रखना है आपको कि पैर आपका ना फिसले। तो दोस्तों, काफ़ी सेफ़ है ये फॉल, आप फैमिली साथ आके अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और काफ़ी नज़दीक भी है ये रांची से। तो दोस्तों, मैं नीचे पहुंच चुका हूं और ये है फॉल का व्यू, ये है फॉल की सुंदरता, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों ये फॉल। इस फॉल को दोस्तों ज़रूर विज़िट करिए आप। तो मैं फॉल के दूसरी साइड भी अभी दिखाने वाला हूँ थोड़े दिन में। ये मैं आपको मेन लोकेशन में लेके आ गया हूँ, ये मेन लोकेशन है आपका फॉल का। दोस्तों, आपको नीचे आने के बाद कुछ इस टाइप का पूरा व्यू दिखने वाला है आपका फॉल का।
दोस्तों छोटा फॉल है बट काफ़ी सुंदर है ये फॉल। तो दोस्तों फॉल का लेफ्ट साइड में कुछ इस टाइप का व्यू आपको दिखेगा। तो दोस्तों फ़ोटो वगैरह भी शूट आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उस एरिया में जहाँ पानी आपका गिर रहा है उस जगह आप जाके डायरेक्ट फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं, फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर है वो एरिया। तो दोस्तों ये है फॉल की खूबसूरती, बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये फॉल। तो दोस्तों हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर का भी आपको मैं व्यू दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको फॉल के ऊपर जाने के लिए कुछ इस टाइप का छोटा सा पतला रास्ता आपको मिलने वाला है। इस रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं फॉल का, और ऊपर जाने के बाद आप फॉल का और भी खूबसूरत व्यू नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ओह दोस्तों काफ़ी ब्यूटीफुल है दोस्तों ऊपर का ये नज़ारा। तो दोस्तों ये है ऊपर का नज़ारा, मैं ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर का मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा, अपने फैमिली के साथ जरूर इस फॉल को विज़िट करिए। छोटा फॉल है बट बहुत ही सुंदर फॉल है। एक बार मैं आपको चारों तरफ से ये फॉल का व्यू दिखा देता हूँ। तो जब ऊपर आएंगे तो आप नीचे का व्यू कुछ इस टाइप का को दिखने वाला है। तो दोस्तों फॉल के ऊपर भी आप अपने फैमिली साथ इस वाले एरिया में भी आप पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इधर बैठने का बहुत ही अच्छा जगह है आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ लोग पिकनिक सेलिब्रेट किए हुए हैं। तो ये ऊपर से नीचे का फॉल का व्यू है जो काफ़ी सुंदर है। तो नीचे वाला एरिया में भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं पिकनिक, या ऊपर भी आप आ सकते हैं। तो मैं आप लोग को ऊपर का एरिया दिखाने वाला हूँ अभी, जहाँ आप ऊपर भी बैठ के आप अपनी फैमिली साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बाइक वगैरह आप लाते हैं तो आगे थोड़ी सी आगे आके आप इस वाले एरिया में भी आप बाइक लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले रास्ते से आप नीचे उतरेंगे, ये फॉल के ऊपर वाला साइड का एरिया है, तो इधर भी आप बाइक लगा सकते हैं। बट आप जब भी रास्ते से नीचे उतरेंगे तो कोशिश करिएगा सेफली नीचे उतरिएगा, क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं है, ख़राब है रास्ता। आप देख सकते हैं पथरीला रास्ता है, तो इसमें स्किड करने का चांसेस ज़्यादा रहता है बाइक का। तो कोशिश करिएगा सेफली नीचे आने का कोशिश करना है आपको।
तो दोस्तों ये नीचे वाला रास्ता है जो अभी मैंने तुरंत आपको बताया, काफ़ी डाउन है, स्लोपिंग है, तो नीचे जाते समय आप ध्यान रखिएगा। और इस वाले एरिया में भी आप अपने फैमिली साथ पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं, काफ़ी खाली स्पेस है इस एरिया में और काफ़ी सुंदर व्यू भी मिल जाएगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये नीचे नदी है, यही नदी का पानी फॉल में गिरता है, आप देख सकते हैं थोड़ा डाउन है, यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इस वाले रास्ते से आप नीचे जा सकते हैं, आप इस रास्ते से नीचे जैसे जाएंगे आपको नीचे भी नदी मिल जाएगी। तो अगर आप ऊपर में पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी पानी का, अगर आप नीचे चले जाएंगे तो आपको बर्तन वर्तन धोने के लिए पानी की सुविधा मिल जाती है, बट ऊपर में आप अगर सेलिब्रेट करते हैं तो आपको पानी खुद से लाना होगा, पानी अरेंज करके आना होगा आपको ऊपर में सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस वाले रास्ते से नीचे आप नदी भी जा सकते हैं। तो ये चारों ओर एरिया काफ़ी सुंदर है, आप कहीं भी इस चूरनी फॉल में आप पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फैमिली साथ। तो दोस्तों मैंने काफ़ी कोशिश की इस पूरे चूरनी फॉल का जानकारी देने का, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं मेरे चैनल में वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे ऐसी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मैं और भी आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देने वाला हूँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।